तो हमारे साथ मौजूद हैं अनिल कुमार तंवर जी। तो सर, मैं आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी और ये सवाल पूछना चाहूँगी कि भारत स्वच्छ अभियान के खिलाफ जो आप लोगों ने आंदोलन किया था कि टैक्स माफ़ी होनी चाहिए, तो उस पर क्या प्रोसेस हुआ है और सरकार ने कितना आपका सपोर्ट किया है या क्या आपकी उसमें भूमिका रही है? देखिए, आप अगर क्षेत्र के अंदर गए होंगे और आपने लोगों से पूछा होगा इस बारे में, तो लोगों की आज जो राय है ना, वो बहुत ही अंदर से, सब जो लोग हैं जिनके ऊपर ये टैक्स की स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो टैक्स पड़ा था उसके लिए लोगों के अंदर एक रोष है। लोग बात कह रहे हैं कि चलिए हमारे ऊपर आपने टैक्स लगा दिया, वो कोई बात नहीं, आप टैक्स लगा रहे हैं, मगर टैक्स के रूप में आप लगा के हमें दे क्या रहे हैं? क्षेत्र के अंदर लोगों के अंदर इतना ज़्यादा रोष है आज, वो कह रहे हैं कि हमारे आप जेब में से जो भी आप टैक्स के रूप में पैसा ले रहे हैं, या तो वो छावनी हम जहाँ पे रह रहे हैं जिस क्षेत्र में वहाँ पे लग रहा हो, या उसको कुछ ऐसा कुछ दिखाई देता हो कि हाँ भाई यहाँ पर ये चीज़ें साफ़ हैं, ये आपने हमारे लिए किया है पार्क। एक मामूली से हमारे यहाँ पर हमारे भाई संदीप तंवर जी जो पार्षद हैं, वो अपने पुरजोर कोशिश कर करके किसी तरह से पूरे छावनी क्षेत्र का एक उन्होंने आज बेड़ा सा संभाल रखा है। भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार में बैठी है, और आप जानते हो कि जो डिफेंस है हमारा, वही हमारे यहाँ पर दिल्ली छावनी बोर्ड को चलाता है। जब हम ये कहते हैं कि आप स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो पैसा आप ले रहे हैं हमारे से, जो यहाँ पर जनता से ले रहे हैं, हमारे यहाँ 5 गांव हैं जो सिविल एरिया हैं, उनसे आप ले रहे हैं, उनके लिए आप ना तो जो डिफेंस में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए आप लीज म्यूटेशन के जो मुद्दे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर आप स्वच्छ भारत अभियान के तहत इतने भारी भरकम जो टैक्स अगर डाल देंगे लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर जो एक हाउस टैक्स है वो भी जो आम जो हमारे यहाँ पर दिल्ली के अंदर जितने भी लोकल गाँव हैं उनमें वो सब माफ़ है, आपको पता ही होगा, मगर एक नारायण जो हमारे दिल्ली छावनी के अंदर जो जितने गांव आ रहे हैं उन्हीं पर क्यों? क्षेत्र की जनता यहां पर एक सबसे बड़ा मुद्दा एक और है कि हमारा जो ये कैटेगरी है यहां पर जो लैंड की कैटेगरी है वो सी कैटेगरी है, और जो नारायणा गांव पड़ता है हमारे साथ में जहां पर आप खड़े हैं उसके साथ में एक तरफ तो सी कैटेगरी है, एक तरफ एच कैटेगरी है। एक तरफ यहां पर 46,200 का रेट है सर्कल रेट, और एक जगह हम जो दे रहे हैं वो 1,59,400 का रेट है। तो ये एक जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि डिफेंस मिनिस्ट्री इस बारे में सोचे, लेफ्टिनेंट गवर्नर आज जो है केंद्र में इनकी सरकार बैठी है, हम पहले भी कई बार डेलीगेशन लेके गए माननीय जो LG साहब के पास, मुख्यमंत्री जी, मगर किसी तरह का कोई इनका जवाब नहीं होता, इस बारे में कोई सोचते नहीं है कि यहाँ की पब्लिक इतने भारी भरकम टैक्स को कैसे अदा करेगी, जबकि यहाँ पर कोई ऐसे स्रोत नहीं है हमारे पास। और हमारा दिल्ली छावनी जो का एरिया है बड़ा ही आइसोलेटेड सा है, आप देखेंगे जैसे पीछे भी लोगों ने कहा कि यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, अगर हम जाएं किसके पास, विधायक है वो सुनता नहीं है, यहाँ पर वो आम आदमी पार्टी के विधायक बैठे हैं, उनको सिर्फ अपनी जेबें भरने से मतलब है। जो भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी MP है वो यहाँ पर कभी देखी नहीं है किसी ने, आज पब्लिक में इतना रोष है कि वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरह इनको झाड़ू लगा के यहाँ से बाहर करें। तो असली जो कचरा है जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिन्होंने ये जाति और ये धर्म के नाम पर जो इन्होंने एक राजनीति बनाई हुई है, पहले इनके दिमाग में से ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये साफ होना चाहिए, उसके बाद ही कुछ ऐसा हमारे ऊपर टैक्स लगाया जाए जो हम भर सकें, और वो भी एक नॉमिनल हो, ये ना हो कि जो मन में आया वो इन्होंने लिख दिया और वो हम दे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ अनिल कुमार तंवर जी, जिन्होंने बताया कि भारत स्वच्छ अभियान के तहत जो टैक्स लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, और ये डेलीगेशन उन्होंने काफी बार केंद्र सरकार को सबमिट किए, रक्षा मंत्रालय के पास दिए, लेकिन कोई भी कार्यवाही इस पर नहीं की जा रही है।